Sonra şu lokacı. Hayır, sapıcı torba. कश्मीर बड़गाम से होते हुए आज गांधरबल पहुंचा है और शाम देर गए तक ये जो है श्रीनगर में कंप्लीट हो जाएगा। इस फुट पैदल मार्च का मकसद ये है कि हम सरकार और सिविल सोसाइटी तक दो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एक सिविल सोसाइटी तक और एक सरकार तक। पहली मैसेज सिविल सोसाइटी तक ये है कि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी जो है पहले नंबर पे आई है ड्रग कंजप्शन पे। हमारा यूथ जो है 6 लाख के करीब इन्वॉल्व है। रिसेंट सर्वे में 30 साल की उम्र के कम के बच्चे जो है 90% इसमें पाए गए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि हम किसकी ओर जा रहे हैं। इसलिए एज मेन पिलर ऑफ सोसाइटी, पार्ट ऑफ दिस सिविल सोसाइटी, हमने ये समझा हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन दें कि इस पैदल मार्च में हम अगर अपनी आवाज़ भी उठाएं अपने मसले के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम छोटा कंट्रीब्यूशन दें, अवेयरनेस करें पेरेंट्स में, सिविल सोसाइटी में, ताकि आने वाले दिनों में हम डैमेज कंट्रोल कर सकें। आपको रोज़ एक चौंका देने वाली खबर आती है ड्रग रिलेटेड, इसलिए हमारा एक फ़र्ज बनता था इसके थ्रू एक मैसेज पहुँचाना। दूसरा, जिस तरह मुल्क की दीगर रियासतों के मुलाजमीन IAS IPS KAS या कोई भी छोटा मुलाजिम हो जो NPS में है इस वक्त 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है और 2010 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, पॉलिटिशियंस अगर 5 बार MLA लड़ता है, 5 बार जीता है तो 5 पेंशन रहती है। MP जो है अगर 3 बार जीता है, जीत के आता है तो 3 पेंशन रहती है। हमारे साथ इन पॉलिटिशियनों ने इतना बड़ा विश्वासघात किया है कि आपको ये जानकर हैरानी हो कि 2010 के बाद यहाँ पे और सेंटर में 2004 के बाद जो भी मुलाजिम आया उसकी कोई पेंशन नहीं है। इसलिए हम लड़ रहे हैं अपने मसले के लिए और सिविल सोसाइटी